देखिए, ये एलजी साहब का जो बयान है बहुत अनफॉर्चुनेट है, और मुझे लगता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट को शोभा नहीं देता है। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से डायबिटीज़ की बीमारी है, बहुत अक्यूट डायबिटीज़ है उन्हें। और जब किसी को सीरियस डायबिटीज़ होता है तो जिसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल गिरना एक बहुत खतरनाक संकेत होता है। शुगर लेवल गिरने से व्यक्ति नींद में कोमा में जा सकता है, शुगर लेवल गिरने से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है। क्या एलजी साहब को लगता है कि कोई भी इंसान अपने आप को जानबूझ के ऐसे बीमार करेगा? ये बिल्कुल साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी को पता था कि अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई से गिरफ्तार करवाया, क्योंकि उन्हें पता है उनका स्वास्थ्य खराब है। उनको पता है कि जितने लंबे समय वो जेल में रहेंगे उतना ज़्यादा उनका स्वास्थ्य खराब होता देखिए, रहेगा। ये एलजी साहब का जो बयान है बहुत अनफॉर्चुनेट है, और मुझे लगता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट को शोभा नहीं देता है। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से डायबिटीज़ की बीमारी है, बहुत अक्यूट डायबिटीज़ है उन्हें। और जब किसी को सीरियस डायबिटीज़ होता है तो जिसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल गिरना एक बहुत खतरनाक संकेत होता है। शुगर लेवल गिरने से व्यक्ति नींद में कोमा में जा सकता है, शुगर लेवल गिरने से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है। क्या एलजी साहब को लगता है कि कोई भी इंसान अपने आप को जानबूझ के ऐसे बीमार करेगा? ये बिल्कुल साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी को पता था कि अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई से गिरफ्तार करवाया, क्योंकि उन्हें पता है उनका स्वास्थ्य खराब है। उनको पता है कि जितने लंबे समय वो देखिए, ये एलजी साहब का जो बयान है बहुत अनफॉर्चुनेट है, और मुझे लगता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट को शोभा नहीं देता है। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से डायबिटीज़ की बीमारी है, बहुत अक्यूट डायबिटीज़ है उन्हें। और जब किसी को सीरियस डायबिटीज़ होता है तो जिसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल गिरना एक बहुत खतरनाक संकेत होता है। शुगर लेवल गिरने से व्यक्ति नींद में कोमा में जा सकता है, शुगर लेवल गिरने से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है। क्या एलजी साहब को लगता है कि कोई भी इंसान अपने आप को जानबूझ के ऐसे बीमार करेगा? ये बिल्कुल साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी को पता था कि अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई से गिरफ्तार करवाया, क्योंकि उन्हें पता है उनका स्वास्थ्य खराब है। उनको पता है कि जितने लंबे समय वो जेल में रहेंगे उतना ज़्यादा उनका स्वास्थ्य खराब होता देखिए, रहेगा। ये एलजी साहब का जो बयान है बहुत अनफॉर्चुनेट है, और मुझे लगता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट को शोभा नहीं देता है। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से डायबिटीज़ की बीमारी है, बहुत अक्यूट डायबिटीज़ है उन्हें। और जब किसी को सीरियस डायबिटीज़ होता है तो जिसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल गिरना एक बहुत खतरनाक संकेत होता है। शुगर लेवल गिरने से व्यक्ति नींद में कोमा में जा सकता है, शुगर लेवल गिरने से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है। क्या एलजी साहब को लगता है कि कोई भी इंसान अपने आप को जानबूझ के ऐसे बीमार करेगा? ये बिल्कुल साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी को पता था कि अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई से गिरफ्तार करवाया, क्योंकि उन्हें पता है उनका स्वास्थ्य खराब है। उनको पता है कि जितने लंबे समय वो